Yeah. Good evening, everyone. I kindly request all of you to keep your mobiles in silent mode, the mini monsters in silent mode. And please keep them inside your pockets or inside your bags, because too many notifications, too much of disturbance. Yogena chittasya padena vacha malam sharirasya cha vaityakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliraantosmi. I bow to the revered guru Patanjali ji, jinhone hame yog ka yogdan diya hai. The guru who has given us yog to clarify our mind and body, who has given us grammar to clarify our speech, and who has given us medical science to clarify our body, to clear the impurities of the mind, speech and the body. I bow to the revered guru Patanjali ji. Good evening to all of you. A warm welcome to one and all present here. A warm welcome to our guest speaker, Gyan Acharya ji. I'm Swapna Sai. I'm a certified image consultant and a soft skills coach. It's indeed an honor for me to be here today evening among you all. I thank Ahmedabad Management Association for giving me this wonderful opportunity. I'm delighted to profoundly introduce our guest of honor, Gyan Acharya ji. Gyan ji has done his BSc and MSc in Yoga Shastra from Deva Sanskriti Vishwavidyalay. He is currently pursuing his PhD in yoga. He has more than 15 years of experience. He runs around 4+ studios and a lot of franchises all over Gujarat, yoga studio franchises. He has many accolades in his kitty. He has been national champion of yoga in 2012. He has performed in front of many chief ministers of different states and our very own Prime Minister, Narendra Modi ji. So a big round of applause to our revered guru, Gyan Acharya ji. I welcome you on behalf of everyone and Ahmedabad Management Association. A couple of years back, कुछ साल पहले मैं ऐसे ही एक शाम को इनके स्टूडियो चली गई थी. मैं एक्चुअली ढूंढ रही थी ऐसी कोई जगह जहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज सीखूँ, जिसके वजह से अपने बॉडी को थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर सकूँ. आई थिंक एग्जैक्टली 4 years back. मुझे तब नहीं पता था कि वो शाम मेरे पूरे जीवन को बदलने वाला था. टुडे आई एम एन आर्डेंट योगा लवर एंड एन योगा प्रैक्टिशनर. थैंक यू टू ज्ञान जी. ऐसा नहीं है कि पहले कभी मैंने योग किया नहीं था. मैंने योग किया था कई बार पहले बचपन से, पर जो मैं योग पहले मैंने किया था और जो योग इनके गाइडेंस में मैंने सीखा है, मैं ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं रखूँगी ये बोलने में कि उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बिकॉज ये जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इट्स वेरी यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल. हर किसी की जो क्षमता है उसके हिसाब से उनको आगे कैसे लेके जाना है. जनरली हमें हमेशा ये लगता है कि योग का अर्थ है सिर्फ आसन. इन्होंने हमें ये समझाया है कि योग सिर्फ आसन नहीं होता है. योग एक जीवन जीने की शैली है. योग अपने आप में, खुद को अपने आप के करीब ले जाने में आपको मदद करता है. मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ. मैं ज्ञान जी को रिक्वेस्ट करती हूँ वो आज हमें योग के बारे में समझाए, कुछ सरल शब्दों में हमें समझाए कि योग क्या है. और कॉरपोरेट योगा, जैसे हम आज के दुनिया में जो इतने व्यस्त होते हैं, हमेशा हमारे चेयर्स पे ही बैठे होते हैं, उठते नहीं हैं, तो कॉरपोरेट योगा, चेयर पे बैठे बैठे हम योगा कैसे करें ताकि हमारा बॉडी और माइंड ज़्यादा रिलैक्स हो. फेस योगा विच इज़ मोर लाइक नेचुरल फेशियल, हाउ टू लुक यंग इवन एज वी एज, दैट इज़ एजिंग ग्रेसफुली. एंड योग एज ए करियर, कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं.
मैं तो योग की प्रैक्टिशनर हूँ, योग के ट्रेनर्स भी होते हैं, जो ज्ञानिश इंस्टीट्यूट है, जो ज्ञानिश स्टूडियो है, वहाँ पे इनके बैचेस चलते हैं ट्रेन द ट्रेनर के, 60 प्लस बैचेस आज तक उनके हुए हैं, जिसमें योग को आगे कैसे ले जाना है, योग के ट्रेनर्स कैसे बनना है, उसका एक करियर कैसे हमें उसमें से बना सकते हैं, उसके बारे में भी ये ट्रेनिंग देते हैं। सो प्लीज़ ज्ञान जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू। थैंक यू सपना मैम, थैंक यू इंस्टीट्यूट, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत तारीफ कर दी, अभी थोड़ा डाइजेस्ट कर रहा हूँ। जस्ट वन थिंग कि आज जो टॉपिक है क्रिया योग की बात की, और सबसे पहले योग की शुरुआत करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले, स्वप्ना मैम ने एक स्लोगन, एक सूत्र, एक पतंजलि, जिसको पतंजलि महर्षि पतंजलि की बात की जा रही है, तो महर्षि पतंजलि की बात की, उनको नमस्कार किया, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। आज आप अगर समझ रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान आपको कहीं से भी मिल जा रहा है, इट्स लाइक इन्फॉर्मेशन, कहीं से भी मिल रही है। कोई भी अभी चार बुक्स पढ़ के, दो क्लासेस अटेंड करके वो ज्ञान यूट्यूब पे और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और आप उसको लेके हम गलत वे में जा रहे हैं। बट एक्चुअली योग का सही मीनिंग, सही तात्पर्य, सही जो समझ है, उसके पीछे अलग ही मोटिव है। अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूँ योग को, तो ये जीवन का आधार है, जो जैसे बोलते हैं ना, हमारी बॉडी का सोल, वो पार्ट है। अगर मैं और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो उसके जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी फिलॉसफी हैं, उनका बेसिक आपने सुना होगा, या एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, और सब जानते हैं कि एक बुक्स में बहुत देखता हूँ मैं, हर अलग अलग जगह जा के एक बुक्स में मैंने अक्सर देखी है, मैं कौन हूँ। एक्चुअली योगा पहले से ही यही सिखाने के लिए आया था कि मैं कौन हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन, आप किस लिए हो, आप किस लिए आए हो, और क्या आपका अस्तित्व है, ये पर्पस था योग। अगर आसन की बात की जाए, तो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि पानी में बर्फ डालो, बर्फ का टुकड़ा पूरा नीचे चला जाता है, ऊपर कितना दिखता है, एक परत दिखती है, आसन सिर्फ उतने हैं। अगर योग की बात की जाए, तो योग का ज्ञान सागर में से, समुद्र में से कुछ जल हमने निकाला है और उसको पूरे समाज में फेंक दिया, उसके कुछ कण हम हैं, और वो हम आप लोगों को दे पा रहे हैं। योग का ज्ञान पूरा होता ही नहीं है, लेकिन महर्षि पतंजलि एक अवतार सत्ता कहें, या एक्चुअली उनको अवतारी सत्ता कहा जाता है, उन्होंने 195 सूत्रों में पूरा ज्ञान समेट दिया। उन्होंने आसन नहीं बताए कि आप आसन करो, आसन में सिर्फ एक लाइन बोली, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक बैठो, आप आसन, वो पोजिशन आसन की है। उन्होंने सबसे पहले अथ योग अनुशासनम, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तथा दृष्ट स्वरूपावस्थानम, इस तरह से अगर पढ़ने जाएं, आपके 3 मिनट 45 सेकेंड्स लगते हैं पूरे सूत्र कंप्लीट होने में, गाने में, एक्चुअली समझने में पूरी लाइफ कम पड़ जाती है। मैंने भी सारे भाष्य, अगर उसके उदाहरण की बात की जाए, जो भाष्य किए जाते हैं, जैसे एक्सप्लेन किया गया सूत्रों को, वो किसी ने भी पूरा नहीं कर पाया, जिसने जितना समझा, आज मैं पूरे सूत्र को समझ लूँ और फिर उसके बाद मैं एक बुक लिख देता हूँ, ऐसे ही सब बहुत अलग अलग बुक्स लिखी गई हैं इसमें, पर आज हम जो बात कर रहे हैं, जो क्रिया योग का टॉपिक है, वो भी वहाँ से आया। हम यहाँ इसकी बेसिक्स पे आके समझते हैं। महर्षि पतंजलि ने तीन चीज़ें बताई हैं। पहला कि साधक, योग साधना में साधक जो हैं वो तीन तरीके से होते हैं। पहला निम्न कोटि, मध्यम कोटि और उच्च कोटि। निम्न कोटि के लिए अष्टांग योग की बात की है। निम्न कोटि में अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहुंचना समाधि तक ही है, एंड वही है, पर स्टार्ट कहाँ से करोगे, यम से। और यम नियम एक्चुअली बहुत टफ है, ठीक है। आज जो समाज में है, अगर निम्न कोटि के साधक हैं, निम्न कोटि मैं मानता हूँ हम सभी निम्न कोटि के ही हैं,
हम यम नियम से ऊपर बढ़े नहीं, हम आसन में थोड़ा सा फंस जाते हैं, हम स्ट्रेच करने में, आसन दिखाने में, अपने पोस्ट लगाने में, हम उसमें फंस जाते हैं, हम प्राणायाम तक नहीं जाते, प्रत्याहार तक नहीं जाते, धारणा तक नहीं जाते, तो वहाँ पर फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। अभी आगे बात की जाए तो मध्यम कोटि के साधक के लिए, जो आज हमारा टॉपिक है एक्चुअली, वो मध्यम कोटि साधक के लिए, मध्यम कोटि साधक क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप शरीर का तप, मन का तप, शरीर के तप के लिए, तप का तात्पर्य है कि अपने शरीर को कष्ट देना, कौन सा जबरदस्ती धूप में खड़े हो जाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे हम आसन की प्रैक्टिस करते हैं, हमें बॉडी स्ट्रेच करते हैं, हमें पेन होता है, तप है एक तरह से, हम फास्टिंग करेंगे तप है, ठीक है, डिटॉक्सिफाई करेंगे बॉडी को तप है, वो अलग अलग तरीके से तप होती है, तप साधनाएँ हैं। तप क्या करता है शरीर में, मैं क्रिया योग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तप क्या करेगा, आपकी शरीर में ऊर्जा को बढ़ा देगा, एनर्जी को बढ़ा देगा, तप आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ा देगा, एनर्जी को बढ़ा देगा। मैं उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ आपको, ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है, ठीक है। और साथ में क्रिया योग की बात कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पे कर्म योग की बात कर रहे हैं। हम दिन सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई कर्म करते ही हैं, कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन भगवद गीता में, जैसे सभी को पता है, भगवद गीता में एक बात कही गई, निष्काम पूर्वक कर्म करो, डिटैचमेंट के बिना, अटैच मत रहो, करते हैं। पर कर्मों का जो है, कर्म से हमारा शरीर और उसके बाद मन और उसके बाद आत्मा परिशुद्ध होती है, पर पहले शरीर परिशुद्ध होगा, ठीक है। जब शरीर परिशुद्ध होगा, जब उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। आपको एक बहुत एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्या पहले के अगर हम स्टोरीज मानते या हम सही शास्त्र माने, तो आप देखना कि तप करते 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 राक्षस, ठीक है, असुर प्रवृत्ति के लोग या असुर समता की बात की जाए, वो देवताओं से ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, होते थे, सुना है, ठीक है, उनको युद्ध हरा देते थे, स्वर्ग में जाके बैठते थे, मूवीज़ में देखा है, पढ़ा होगा या मूवीज़ में देखा होगा, पावरफुल हो जाते थे, शरीर की ऊर्जा इतनी बढ़ा दी, इतना बढ़ा दिया है कि देवताओं से ज़्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। इसके बाद आता है स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करना, ऐसी पुस्तकें, ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या का अर्जन करना जो आपको आपका दर्शन करवाए, स्वाध्याय, ठीक है। कोई ऐसी बुक्स नहीं जो इट्स जनरल नॉलेज, जो आपका आपको दर्शन करवाए वो स्वाध्याय। और आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे जिनके पास शरीर की ऊर्जा है, लेकिन वो स्वाध्याय क्या करता है, आपकी मन की ऊर्जा है, विल पावर है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी इनर पीस है, आपके अंदर की सौम्यता है, आपके अंदर की सादगी है, और आपके अंदर सबसे बड़ी बात, स्टडी करके आप क्या करोगे, आप ज्ञान अर्जन करोगे, अब बहुत सारा आपको ज्ञान आ जाएगा। रावण के पास था, तप करते करते शरीर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ठीक है। उसके बाद क्या था कि उसके पास मन की ताकत, मतलब ज्ञान, बहुत प्रकांड विद्वान था वो, था स्वाध्याय उतना किया। तीसरी चीज पे आते हैं जो नहीं थी, वो है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति निष्ठा, ईश्वर के प्रति समर्पण, वो नहीं था। और अगर रावण की एक तरफ बात की जाए और दूसरी तरफ आप किसका एग्जाम्पल लोगे, ये तीनों चीजें किस में थी, एनीवन? राम तो खुद भगवान थे ना, हनुमान जी, तप किया उन्होंने, ज्ञान में भी उनके समान कोई नहीं था, लेकिन ईश्वर के प्रति अटूट निष्ठा थी, अटूट श्रद्धा थी, जिसकी वजह से वो भक्त से भगवान बने।
हम बात अगर कनेक्टिविटीज की करें तो तप जो है आपके शरीर के लिए है, स्वाध्याय जो है वो आपके मन के लिए है, और ईश्वर प्रणिधान आपकी आत्मा के लिए है, आपका जो समर्पण है। और मैं अगर कर्म की बात करूं यहाँ पे, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को भी इसी कैटेगरीज में रखते हैं, तो भक्ति मतलब समर्पण, ज्ञान मतलब आप अर्जन कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ अर्ज कर रहे हो, और अर्जन के साथ में आपके अंदर विवेक जागृत होता है। एक्चुअली विवेक का मीनिंग पता है? एनीवन? थोड़ा इंटरेक्टिव रखिएगा तो आई थिंक मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। विवेक का मीनिंग, यस सर, ओके ठीक है सर, आप कुछ बोल रहे हैं प्लीज। ओके 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 बुद्धि से ऊपर जाते ना, ठीक है, बुद्धि से ऊपर शार्पनेस, बुद्धि की शार्पनेस। लेकिन शार्पनेस के साथ आपने देखा होगा बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन है ना, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन, वो क्राइम साइड में भी जाते हैं, लेकिन हम उसको विवेक नहीं कहते। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, सात्विक गुण वाली बुद्धि, जिसमें सात्विक गुण सत्व रज और तम, सत्व है जिसमें, वो बुद्धि। बुद्धि चार स्टेज पे होती है, बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक और रितंबरा। बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक एंड रितंबरा, ये धीरे 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 स्टेज बाय स्टेज, स्टेज बाय स्टेज बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो हम बात कर रहे थे क्रिया योग के, क्रिया योग के मैंने आपको समझाया कि भक्ति जो है आपको आपकी आत्मा को प्रशुद्ध करता है। और मैं फिर से घूम के आ रहे हैं योग पे, कि योग में हमेशा बात की जाती है, आपने जगह जगह लिखा हो पढ़ा होगा कि शरीर, मन और आत्मा, माइंड बॉडी सोल कनेक्ट, माइंड बॉडी सोल, योगा क्लासेस, दिस योगा क्लासेस, माइंड बॉडी सोल, सुना है हमने, हमारे लोगों के नीचे भी रखा है, ब्रीथ मूव एंड कनेक्ट। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे कई सारी जो बातें हैं जो योगा को सबसे अलग करती है। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर किया है कि क्रिया योग को बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाया है कि क्रिया योग मध्यम कोटि साधक के लिए है। अभी मैंने निम्न कोटि और मध्यम कोटि की बात की, मैं लास्ट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो है आपका उच्च कोटि के साधक, जिनको ये पार कर गए उनके लिए उच्च कोटि के साधक, उच्च कोटि के साधक की बात की जाती है। वहाँ पे दो ही चीज़ें करनी है, अभ्यास, वैराग्य, प्रैक्टिस करनी है किसकी, वैराग्य की, डिटैचमेंट की। ये बहुत लंबा टॉपिक है, मेरे बताते बताते मुझे वैराग्य आ जाता है बहुत बार है। अभ्यास वैराग्य एक्चुअली काफ़ी, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन ये प्रैक्टिस ऐसे नहीं हो सकती, जब आपका मन और शरीर और आत्मा परिशुद्ध हो गई है तब आप आगे बढ़ सकते हो। धीरे धीरे वहाँ से चीज़ें आगे जाएंगी, और वहाँ से जितनी परिशुद्धि होती जाएगी, जितने विचारों की शुद्धि होती जाएगी। अभी एक सिंपल सी बात की जाती है, कोई भी कर्म करते हो, कोई भी कर्म, एक आप लोगों के लिए अभी हम कॉर्पोरेट योगा पे हम जस्ट बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका डेडिकेशन होता है कंटिन्यू। एक स्लोगन है, सॉरी सूत्र है, एक एक लाइन के सूत्र हैं, पतंजलि, हमारे श्री पतंजलि ने बताया, सतु दीर्घ काले निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, सतु दीर्घ काले निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, मतलब निरंतर आप कंटिन्यूटी में आप कोई भी कार्य करते रहोगे उसकी वैसी ही भूमि तैयार हो जाएगी, वो परिपक्व हो जाएगी, चाहे कोई भी कर्म करो। और यही यहाँ पे भी साधना बताइए आपको, यहाँ पे मन के लिए बताए, आप कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, और जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे वो आपके जीवन में आ जाएगी। अब बात करते हैं हम योगा, एक्चुअली सब आधे लोग इधर इधर, थोड़ा सा नींद आ रही है, अभी लेक्चर में होता है, अक्सर होता है कि थोड़ा बहुत ऐसे बातें करने में, इसलिए मैं बहुत
इंटरेक्टिव रखने की कोशिश करता हूँ। हम बाद में क्वेश्चन आंसर करेंगे, थोड़ा आपकी कुछ डाउट्स हैं आप पूछना, पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट योगा की बात करते हैं। कॉर्पोरेट में जनरली काफ़ी सारे सेशंस करवा चुका हूँ, मेरे अभी रेगुलर चल भी रहे हैं, कल भी है, कल था और आगे भी होते ही हैं। बट इन जनरली बात की जाए तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि स्पेस इश्यूज नहीं होते, मतलब आप अपनी चेयर पे बैठ के ही कर सकते हो। दूसरा एक टाइम का बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो हर कंपनी ने उनके सॉफ्टवेयर में आई थिंक 45 मिनट्स के बाद या किसी ने 1.5 घंटे के बाद उन्होंने एक पॉपअप रखा हुआ है, रखा है कि नहीं रखा है? बहुत सारे कॉर्पोरेट वाले होंगे तो हाँ, काफ़ी कंपनी ने रखा हुआ है, पॉपअप रखा हुआ है, आप खड़े हो जाओ, आप एक्सरसाइज का टाइम हो गया, ऐसा सब आई थिंक उनके स्क्रीन पर शो होता है, होता है ठीक है, बिकॉज ऑफ हेल्थ के लिए, कि बॉडी ना मूवमेंट नहीं होती है, जब बॉडी में कोई मूवमेंट्स नहीं होता है तो बॉडी आपकी डैमेजेस होती है। अभी सिंपल सी अगर बात की जाए, मैं सबसे ज़्यादा, जैसे स्वप्ना जी ने कहा कि इज डिफरेंट क्यों है, मैं आसन की बात मैं पहले भी नहीं करता था, मैं भले स्टेट लेवल चैंपियन रहा हूँ, नेशनल लेवल चैंपियन रहा हूँ, उस टाइम एक था कि मुझे नेशनल चैंपियन होना है इसलिए मैंने वो किया, बट मैं आसनों में स्टेबल नहीं था। मैंने कहा आसन ठीक है, मैं आसन वहाँ तक पहुँचा हूँ ठीक है, पर मेरा पर्पस ये होता था हमेशा कि उससे आगे क्या। आप प्राणायाम को कैसे समझ सकते हो, आप मेडिटेशन को कैसे समझ सकते हो, जप को कैसे समझ सकते हो, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस था पहले से और अभी भी है। पर जैसे अभी बात की स्वप्ना हमने कि वो क्लास में आया और उनको क्लास में इतना अच्छा लगा, वहाँ पे हमारा जो फोकस रहता है सबसे ज़्यादा रहता है वो पर एक्चुअली आसन में स्थिरता तब आती है जब आपका मन स्थिर है, जब आपके विचार स्थिर है। मैं पांच चीज़ें अक्सर बोलता हूँ हमेशा, शरीर शुद्धि, नाड़ी शुद्धि, प्राण शुद्धि, विचार शुद्धि और आत्मशुद्धि, ये ज़रूरी है। पर यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम कर्म, हम डेली रूटीन की बात करेंगे, योगा को डेली रूटीन में हम कैसे लाएँ, योगा में डेली रूटीन में हम कैसे करें। पर मेरी क्लास में अक्सर जो प्रैक्टिस होती है वो होती है स्ट्रेचिंग की। मैं कभी मेरे पास कोई भी आता है तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, बोलते हैं मेरे को ये आसन लगाना है, वो आसन लगाना है, ये करना है मुझे ये। मैंने कहा नहीं, आप गलत जगह आ गए हो, आपको नहीं करवा सकता मैं एक चीज़ करवा सकता हूँ, मैं वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, वहाँ पर जाके आपको खुद करना है। मैं पतंजलि को मानता हूँ, पतंजलि एक बात कहते हैं, स्त्रम सुखम आसनम, आप पद्मासन लगाओ तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए, तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, आपको पेन नहीं होनी चाहिए, आप अनकंफर्ट नहीं होने चाहिए वहां पे बैठ के। मैं आपको प्रिपेयर इतना कर दूंगा, स्ट्रेचिंग करा करा के आपकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ा दूंगा कि आप घंटों आप बैठ सकते हो पद्मासन में। हाथ पे उल्टा खड़े होना है, आप हाथ पे उल्टा खड़े हो सकते हो, सिर पे खड़ा होना है सिर पे खड़े हो सकते हो, आप कोई भी आसन करना हो, कोई भी प्रैक्टिस करनी है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यों? मैं स्ट्रेचिंग पे फोकस करता हूँ, स्ट्रेंथिंग पे फोकस करता हूँ, प्रिपरेशंस पे फोकस करता हूँ, प्रिपरेशंस करवाता हूँ, वो प्रिपरेशंस जितना अच्छा से हो जाएगी आप दूसरी चीज़। तो आज जो हम बात करेंगे कि हम अपने डेली रूटीन में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कैसे, स्ट्रेचिंग को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, बिकॉज ऑफ अभी आप हाथ ही आपका हाथ है, नॉर्मली आप ऐसे स्ट्रेच करो, ठीक है, आप ऐसे स्ट्रेच करो, अच्छे से खींचो हाथ, खींचो, खींच के रखो, जितना स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करो, मैक्सिमम स्ट्रेच करो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कॉन्ट्रैक्ट करो, दबाओ एंड रिलैक्स छोड़ दो, ठीक है, रिलैक्स छोड़ दो, हाथ नीचे नीचे कर लो, क्या हाथ में कुछ ऐसे फील हो रहा है, झंझनाहट से थोड़ा स्ट्रेच। जब भी बॉडी में, ये तो हाथ की बात है, जब भी बॉडी में स्ट्रेचिंग होगी, मसल्स में होती है, जब भी कोई भी मसल्स स्ट्रेच होगी वहाँ पे आपका ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, बढ़ेगा। अभी हाथ में खींचा आपने, अचानक स्ट्रेच किया तो हाथ में थोड़ा सा झंझनाहट सी हुई, थोड़ा अभी ना अब रिलैक्स हो जाए, अभी क्या होगा,
ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और ब्लड अपने साथ बहुत कुछ लेके आता है, ऑक्सीजन प्लाज्मा के अंदर, न्यूट्रिशंस आपके कई सारे, आपके कई सारी वैल्यूज, इससे क्या होगा, बॉडी की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी। आप पाम बैलेंस करते हो, पाम बैलेंस है, हेड बैलेंस है, आप शीर्षासन लगाओ, आप हैंड स्टैंडिंग कोई भी आसन लगाओ, आप प्लैंक पोजिशन करो, क्या होगा, रिस्ट में पहले दिन होगा, आपने बहुत लोग जाते होगे, जिम करते होगे, योगा करते हो, योगा प्रैक्टिस करते हो, चक्रासन करते होगे, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस करते होगे, आप पहले दिन वो आसन करने में आपको प्रॉब्लम होती होगी या वो पोजीशन करने में प्रॉब्लम होती है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप वो पोजीशन कर पाते हो, क्यों, क्या हो गया ऐसा, आपने प्रैक्टिस की, इसलिए प्रैक्टिस की, आपने बॉडी को कुछ अलग दिया, प्रैक्टिस की, उसके बाद आपकी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करने लगी, बॉडी ने स्ट्रेंथ बिल्ड की, स्ट्रेंथ बिल्ड हो गई। पाम पे आप पाम प्लैंक करते हो, स्टार्टिंग में बहुत सारे फीमेल्स के हाथ वीक होते हैं बहुत बार, ठीक है, मेल में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा इशू होते हैं थोड़े से, तो दोनों के एक लाइन में लेके आना, दोनों एक साथ में चीज़ें हो पाए, तो उनको उस लेवल पे प्रैक्टिस हम करवाते भी हैं और जो करने वाले हैं वो करते भी हैं। तो होता कहाँ है कि आपने स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथिंग का दोनों की प्रैक्टिस करते गए और धीरे धीरे वो बिल्ड हो गए। पर आप डेली रूटीन में वो स्ट्रेचिंग्स कैसे करोगे, डेली रूटीन में क्या करोगे, अगर आप ऑफिस में बैठे हो, और ये चीज़ें आज की नहीं है, मैं जब पढ़ता था, जब कॉर्पोरेट योगा की बात भी नहीं होती थी, मैं प्रैक्टिस करता था 2.5-3-4 घंटे, जब जितना मुझे टाइम मिलता था मैं प्रैक्टिस करता था, और क्लास ऐसे चलती होती थी, यहाँ टीचर होते थे तो मैं वहाँ पे बैठा होता था, और उस टाइम बैठे बैठे बहुत बार बहुत ऐसे हैवीनेस लगना, स्टिफनेस लगना बॉडी में, और उससे बहुत सारी चीज़ें अपने आप निकल के आई। वो बाद में फिर मैंने जब फील्ड में आके वर्क किया, जब पता चला, तो पता चला कि वो चेयर योगा पे चेयर बैठ के योगा की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो इसलिए उसको चेयर योगा कहा गया, फिर कॉर्पोरेट योगा कहा गया, वो बाद में पता चला, वो स्ट्रेचिंग मेरे को पहले से पता। तो मैं आपको वो स्ट्रेचिंग्स बताता हूँ कि आपकी बॉडी को आप यूज टू कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी चेयर पे बैठे हो, कंफर्टेबल बैठ जाओ, बहुत इजी है। सबसे पहले ना हाथ को स्ट्रेच करो, हाथ ऊपर स्ट्रेच करो, कान के पास में हाथ स्ट्रेच करो, हाथ स्ट्रेच करके रखो, ऊपर खींचना है बॉडी को, और देखना भी ऊपर है आपको, बॉडी जितनी आप खींचोगे कान के पास ले जाके उतना अच्छा है, जितना ऊपर ले जा सकते हो उतना लेके जाओ, ऊपर देखो, देखना ऊपर है, सबको ऊपर देखना है, ऊपर खींच के रखो, नॉर्मल ब्रीदिंग रखो, ब्रीदिंग नॉर्मल रखो, और जितना ऊपर खींच सकते हो उतना ऊपर खींच के रखो, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, बैठे रहना है पर हथेलियों को ऊपर इतना खींचना है कि आपको ले जाके जैसे हाथ खींचते खींचते जाके आपके फ्लोर पे ऊपर सीलिंग पे लगने वाले हो, ऊपर खींचो और खींच के ले जाओ, और स्ट्रेच करो, और स्ट्रेच करो, नाउ रिलीज, नाउ नेक्स्ट हाथ आप पीछे ले जाओ, हाथ आप पीछे ले जाओ, नहीं नहीं बैठ के, बैठ के खड़े हो, खड़े नहीं होना है आपको, पीछे ले जाना है, और पीछे ले जाने के लिए हाथ आप चेयर पे मिड में बैठ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ, ठीक है, और पैर थोड़े से खुले रखो, पैर पूरे स्टेबल हो जाए, हाथ लॉक करना है, और हाथ लॉक करके, और लॉक करने की पोजीशन, एक चीज मिस्टेक जो कॉमन करते हैं, एल्बो पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, इसलिए एल्बो थोड़ी सी टाइट रखना, थोड़ा बैंड भी रहेगा चलेगा, ठीक है, और हाथ इस तरह से बंद होने चाहिए, और धीरे से आगे झुकना है, फॉरवर्ड जाना है, हाँ ये हाथ इस तरह से बंद होने चाहिए, और उसके बाद आप धीरे धीरे आगे झुकोगे, फॉरवर्ड जितना हो सके आगे झुकोगे, और हाथ ऊपर उठाना है आपको, और हाथ खुलने नहीं चाहिए, कंडीशन ये है हाथ खुलने नहीं चाहिए, हाथ ऊपर उठाने हैं और हाथ खुलने नहीं चाहिए, जितना हो सके आप खींच सकते हो उतना वो खींचने की कोशिश करो, लेकिन आपके हाथ नहीं उठने चाहिए, मतलब आपको हाथ खोलना नहीं है, बहुत सारे लोग हाथ खोल रहे हैं, हाथ खुलने नहीं चाहिए, बंद बंद रहने चाहिए, हाथ बिल्कुल बंद रहने चाहिए, पूरी श्वास बाहर कर दो, एक्सहेल कर दो, और नॉर्मल ब्रीदिंग करो, एक्सहेल करके नॉर्मल ब्रीदिंग, एक्सहेल करके नॉर्मल ब्रीदिंग, एक्सहेल करके नॉर्मल ब्रीदिंग, ऊपर ये ना हाथ आप थोड़ा सा खोलो नहीं, ये बंद रखो, हाथ को बंद रखो, स्ट्रेच करके रखो, वापस आने को नहीं बोला है किसी को मैंने, नीचे स्ट्रेच करो, नीचे नीचे स्ट्रेच करके रखो, स्ट्रेचिंग करो,
और स्ट्रेचिंग करो, और स्ट्रेचिंग करो, और स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेच करके रखो, और स्ट्रेच करके रखो, और स्ट्रेच करके रखो। नाउ रिलीज एंड रिलैक्स, हाथ छोड़ो, रिलैक्स करो। क्या हुआ? नाउ यहाँ पे बैठे बैठे, यहीं पे बैठे बैठे थोड़ा सा आगे मिड में आ जाएंगे, ठीक है, और पैर मिला लेंगे दोनों, दोनों पैर पास में कर लेंगे, दोनों पैर पास में करके बॉडी को साइड में ले जाना है। बॉडी को साइड में करके अपने नी को, नी पे हाथ को लॉक कर लो, एल्बो को लॉक करना है, जितना हो सके बॉडी को ट्विस्ट करने की कोशिश करना है पीछे को, ठीक है। ये बैठ के बॉडी को ट्विस्ट करना है, पीछे पीछे ऊपर देखना है, पहले ऊपर देखना है, बॉडी को टर्न करना है, अपोजिट साइड में नहीं देखना है, जिस साइड हाथ लॉक किए हैं उसी साइड देखना है, जितना हो सके बॉडी को टर्न करो, हाथ वहाँ नहीं, ऐसे ऐसे दोनों हाथ, ठीक है, लॉक करना है अपोजिट, यहाँ पे आएगा हाथ, ये लॉक करके यहाँ पे अपोजिट साइड में एल्बो को लॉक करना है आगे, नहीं नहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये बैठ के, ठीक है, लॉक करके रखो, लॉक करके रखो, यहाँ पे नीचे जाओ, नीचे जाओ, स्ट्रेच करो। बैठे बैठे आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, ये नाउ आ गया, परफेक्ट, अपोजिट साइड में, अपोजिट अपोजिट अपोजिट, स्ट्रेच करके रखो, सेम साइड स्ट्रेच करके रखो, ऊपर देखो, देखो ऊपर, पूरी श्वास छोड़ दो, परफेक्ट परफेक्ट, यहाँ पे लॉक करना, हाँ ट्विस्ट करना है जितना ज़्यादा हो सके, वो एल्बो यहाँ पे लॉक करना है, हाँ ये बॉडी ट्विस्ट करनी है और ऊपर देखनी है, पूरी श्वास बाहर निकल, जब स्ट्रेच करो, जब आसन की पोजिशन लो, ट्विस्ट कर रहे हो, पूरी श्वास बाहर जानी चाहिए, बाहर जाके एक्सहेल करके रखना है। नाउ रिलीज, इनहेल और एक्सहेल करते हुए दूसरी साइड, पूरी श्वास बाहर छोड़ दो, दूसरी साइड, साइड दूसरी साइड चेंज कर देना है, साइड चेंज कर देना है, आपको नी पे लॉक करना है हाथ, इस तरह से लॉक करना है, ये लॉक होगा, ये लॉक करना है हाथ, लॉक करके रखो हाथ, एक्सहेल करके, आप चेयर पे मिड में बैठोगे आके तो स्ट्रेच कर पाओगे सही से, आप पीछे रहोगे तो स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, लॉक करके रखो, ऊपर देखो, जितना ऊपर जा सकते हो उतना ऊपर जाने की कोशिश करो, पूरी श्वास छोड़ दो, साइड में ट्विस्टिंग को फील करो, रिलीज एंड रिलैक्स। मैं आपको एक एक बार करवा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो क्या, ठीक है, ओके। नाउ अभी जैसे मैं बहुत ऐसे यूज़ करता हूँ कॉर्पोरेट सेशंस में कि आप पीछे अभी यहाँ पे ये आपने ट्विस्ट किया, यहाँ पे दूसरी तरीके से भी ट्विस्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ पे बैठे बैठे यहाँ पे गए, आपने हाथ रखा, अब हाथ रख के अभी अभी आप वहाँ पे इस तरह से आप ऑफिस में करोगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, बहुत बार अनकम्फर्ट होता है, तो बोलता हूँ कि आप किसी को बोलो, और जिग्नेश भाई क्या छो मजा मना, किसी को बुलाना है तो भाई बैठे बैठे बुला लो, ऐसे ट्विस्ट कर दो बॉडी को यहाँ पे पूरा, तो अपनी चेयर को पकड़ो और ट्विस्ट करो बॉडी को, ऐसे बोलो ना मत सब, नहीं तो अभी मेरी आवाज़ दब जाएगी यहाँ पे, बॉडी को ट्विस्ट करो, खाली ट्विस्ट करो, अपनी पूरी पीछे वाले चेयर को पकड़ने की कोशिश करो, पैर नीचे दोनों रहने चाहिए, पैर नीचे रखो, दोनों पैर नीचे होने चाहिए, चेयर पे लेके आना है, पीछे देखो, सांस पूरी बाहर कर दो, हाँ जी, और बॉडी सीधी, बॉडी सीधी, यहाँ पे इसको पकड़ना है, ठीक है, हाँ इसको पकड़ो आके, हाँ गुड, या परफेक्ट परफेक्ट, यहाँ पे इसको पकड़ना है, इसको पकड़ो आके, पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ना है, हाँ इसको पकड़ना है, पीछे, यस परफेक्ट, हाँ ठीक है, ये वहाँ ले जाओ, ठीक है परफेक्ट, ये जितना दूर जा सकते हैं, हाँ गुड, ये हाथ जितना दूर जा सकते हैं उतना ले जाओ, परफेक्ट, वेरी नाइस, मजा मान, ये यहाँ से टर्न करो, रिलीज, नाउ चेंज साइड, चेंज करना है, दूसरी साइड जाना है, श्वास भरो और श्वास छोड़ते हुए एक्सहेल करो, ठीक है, एक्सेल करना है और चेंज नहीं करना है, एटलीस्ट होल्ड करो थोड़ा सा, जब तक आप होल्डिंग नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा, एक्सेल करके रखो, एक्सेल करके रखो, एक्सेल करके रखो,
पूरा सांस छोड़ के रखो, आई थिंक ये फोन, एक्सहेल करके रखो, नाउ रिलीज, वापस जाओ। से बहुत इजी है कि आप स्ट्रेच अपर बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हो एंड आफ्टर देन शोल्डर में आप बैठे बैठे इस तरह से मूवमेंट्स कर सकते हो। ये बहुत, पर इसको समझो थोड़ा सा, ये आपके शोल्डर है ऊपर तक जाने चाहिए ये, और स्लोली मूव करना है। कॉर्पोरेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, ये मैंने खुद देखा है, मेरा एक्चुअली ग्रेजुएशन मैंने योगा, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मेरे तीन सब्जेक्ट थे, तो मैं एक टाइम लैब में ही बैठा होता था 10-10 घंटे तक, तो बहुत स्टिफनेस बढ़ जाती है, आपके काम नहीं करता है बहुत बार, और ये तो कुछ टाइम के लिए 10-12 दिन प्रोजेक्ट के लिए बैठे हैं तब ये हालत हो रही थी, जो कंटिन्यू जिनकी लाइफ ही यही है वो क्या करें। सो दैट्स वाई कि ये बेसिक मूवमेंट्स है बहुत शोल्डर का, जिससे आप रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। आप है ना कर्व नहीं लेना है, ठीक है, परफेक्ट। ये वन, रोटेशन पे ध्यान दो, टू थ्री, ऊपर तक जाने दो, नहीं जल्दी नहीं करना है, थ्री आराम से, फोर पूरा रोटेशन होना चाहिए, फाइव सिक्स पूरा राउंड 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 करना है, सेवन पूरा राउंड पीछे, एट नाइन टेन। अब रिवर्स करना है, बहुत सारे लोगों ने रिवर्स भी कर लिया, वन रिवर्स, ये आगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, परफेक्ट, नाइन टेन, रिलैक्स। एंड एक इसी के साथ में ये जो है ये रिलैक्सेशन, एक्चुअली इससे आपके शोल्डर रिलैक्स हो जाते हैं, पर स्ट्रेचिंग के लिए और स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करोगे बैठे बैठे, तो आप ये मूवमेंट्स कर सकते हो, हाथ इस तरह से रोबोटिक पोजीशन में रखो, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, हाथ हाथ इस तरह से रखना, बैक सीधी रखना और शोल्डर लाइन में रखना, ठीक है, ये ऐसी वाली पोजीशन आ गई, सावधान चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है आपको। ये मूवमेंट, ये आपके मूवमेंट रोबोटिक मूवमेंट होगा ये, ठीक है, ये पोजीशन आएगा, वन टू थ्री, ये हाथ अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं, एक लाइन में, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, शोल्डर मूव होना चाहिए, ये हाथ ऐसे इस तरह से ही रहना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट, रिलैक्स ना। इसके बाद यहाँ पे चेस्ट में हाथ रखो और ये एल्बो शोल्डर लाइन में होना चाहिए, ठीक है, ना वन टू थ्री, नीचे नहीं जाने चाहिए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, नाउ रिलैक्स। और इससे पहले जो आपने रिलैक्सेशन के लिए वो किया वो कर सकते हो, बाकी स्ट्रेचिंग्स और वो सारे काफ़ी ज़्यादा है, आप काफ़ी पोस्चर्स कर सकते हो लेग्स के लिए। अब जैसे अभी मैं एक आपको बताऊँ कि आप यहाँ पे बैठे बैठे अपने हिप्स को स्ट्रेच कर सकते हो, जो आप नीचे बैठ के भी नहीं करते होगे, योगासन की पूरी क्लास में एक घंटे क्लास में भी नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे बैठ के चेयर पे बैठ के बताऊंगा कि चेयर पे बैठ के आप कैसे कर सकते हो। आप अपने चेयर पे बैठे हो, जस्ट सिंपल आप एक पैर को उठा के, हम बहुत बार रखते ही हैं, ठीक है, आप ऐसे रखो एक पैर उठा, आपके थाइस से स्ट्रेचिंग स्टार्ट होके हिप्स के एक पॉइंट तक स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है, और आप धीरे से आगे झुक जाओ, आप आगे झुक जाओ और पैर अंदर नहीं लेना है। मैं आपको यहाँ पे बीच में आके बता देता हूँ, ये पोजीशन है, ठीक है, ये सेंटर पे आपने पैर रखा, मैंने इस तरह से नी से बहुत ऊपर नहीं बहुत नीचे नहीं, ठीक है, अब मैं धीरे से ऐसे आगे झुका, जितना जा सकते हो उतना नीचे जाओ,
जितना नीचे जाओगे उतना ज़्यादा आपको पेन आने वाला है, मतलब स्ट्रेच आने वाला है। ये जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाओ, हिप्स स्ट्रेच होता है, नीचे जाओ, नीचे झुको, नीचे झुको। अगर आपके हिप्स में पेन नहीं आ रहा है, हिप्स की स्ट्रेच पॉइंट पे, मिड हिप्स पे आपकी स्ट्रेच नहीं आ रहा है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। ठीक है, आपने सही से आगे झुकनी, रुक झुक के रहो, थोड़ा रुको, नीचे स्ट्रेच करके रखो। आप पैर अंदर नहीं लोगे ना बाहर ज़्यादा रखोगे, नीचे स्ट्रेच करके रखो, नीचे स्ट्रेच करके रखो, बॉडी को लेके जाओ, जितना खींच सकते हो उतना खींचो। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जा सकते हो, जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जा सकते हो, परफेक्ट। यस, गुड, वेरी नाइस, रिलीज। कितने लोगों को फील आया है? अभी बाद में सब उठा देंगे। एक्चुअली आप ये हिप्स की स्ट्रेचिंग्स होती नहीं है जनरली, हिप्स में स्ट्रेच आता भी नहीं है, पर यही पोजीशन में अगर बैठ के भी करोगे, नीचे फ्लोर पे भी बैठ के, पर फ्लोर पे बैठ के पद्मासन की पोजीशन ना करके एक पैर एक दूसरे पैर इस तरह से आएंगे, ये वाली पोजीशन, मतलब फीट आपके बाहर होंगे, तब आप आगे झुकोगे ना खाली, बहुत सिंपल पोजीशन लगेगी, लेकिन आप आगे नहीं झुक पाओगे सही से। आगे जाओगे आपको मिड हिप्स पे पेन आएगा, जो जल्दी आप बहुत बड़े बड़े आप फुल स्प्लिट करोगे ना तब भी नहीं आता है, लेकिन उसमें जरूर आएगा। और दूसरे पैर से करो, चलो आगे, थोड़ा सा आगे आ। जब तक ज्ञान जी नहीं बोलेंगे ना रिलैक्स, तब तक आपको आसन का पोजीशन चेंज नहीं करना है। उनका क्लास का एक ही नियम होता है, जब तक वो रिलैक्स नहीं बोलेंगे तब तक आसन का पोजीशन चेंज नहीं करना है। नीचे सही रखो, आगे झुको, आगे झुको, बॉडी जितनी लेके जा सकते हो उतना लेके जाओ, स्ट्रेच करो, ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे झुकने कोशिश करो, फॉरवर्ड जाओ, परफेक्ट, नीचे जाओ, जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाओ, परफेक्ट, यस यस, गुड, नीचे झुक के रहो और नीचे स्ट्रेच करके रखो, हिप्स उठाने नहीं है, ठीक है, वहीं रहने, हाथ नीचे लेके जाओ जितना लेके जा सकते हो, एक्सहेल करके रखो, ब्रीथ नॉर्मल करो, ब्रीथ को नॉर्मल रखो, ब्रीथ को नॉर्मल रखो, स्ट्रेच होने दो, ब्रीथ को नॉर्मल रखो, ब्रीथ नॉर्मल रखो, एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, नाउ रिलीज, परफेक्ट। ये आप एक एक बार, दो दो बार, जैसे भी आपको कंफर्ट लगता है वैसे आप, क्योंकि आपको मैं बताऊँ, चेयर पे आप बैठ के ऑब्वियसली आप स्ट्रेच नहीं कर सकते लेग्स को पूरा, ठीक है, पर इतना स्पेसिस होता है कि आप बॉडी को आप खींच सकते हो, आप बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो। अब है ना, आपने, मैंने आपको थोड़ा सा बॉडी को, अपर बॉडी मतलब आपके शोल्डर स्ट्रेच करवाए, थोड़ा हिप्स को स्ट्रेच करवाया, थोड़ा स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्टिंग किया है अभी हमने, स्पाइन को घुमाया है सिर्फ, ठीक है, अभी तक जो किया है वो रिलैक्स करता है बॉडी को। अभी स्ट्रेच क्या करता है वो मैं बताता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे बीच में रखता हूँ, आपकी चेयर जो होती है, मुझे पता है अलग अलग टाइप की कॉर्पोरेट में चेयर होती हैं, ठीक है, और ऐसे स्पेस उसमें भी आपको मिड में आना है, पैर आपको खोल के रखना है, हाथ यहाँ पे बीच में रखना है, देख लो पहले, ठीक है, बीच में रखना है, चेस्ट एक्सपेंड करना है, सिर पीछे खींचना है, श्वास को भरना है, ये चेस्ट को आगे लाना है, श्वास को भरना है, बॉडी जितनी खींच सकते हो उतना खींचते जाना है, एक्सपेंड करते जाना है, पीछे की ओर जाना है, ठीक है, चलो इनहेल करना है, पहले मिड में आ जाओ, पकड़ो, चेस्ट आगे लो, शोल्डर पीछे, चेस्ट आगे, शोल्डर पीछे, सिर ऊपर, सिर ऊपर ले जाओ, सिर ऊपर ले जाओ, सिर ऊपर ले जाओ, एक्सहेल 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 एक्सहेल, पूरी तरह से एक्सहेल, एक्सहेल करो, एक्सहेल करो, एक्सहेल करो, एक्सहेल करके रखो, सिर ऊपर, एक्सहेल करके रखो, पूरी तरह से एक्सहेल करके रखो, एक्सहेल एक्सहेल, नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। यहाँ पे आपने पकड़ के रखा है, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे बैठे बैठे बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे आप बैठे हो, आप बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करो, नाउ बैंड योर, बीच में से बैक को बैंड करो, पकड़ के रखो इसको, आप पकड़ के रखो, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करो, बीच में से कर्व आना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना है ऐसे, ठीक है, रिलीज। नाउ यहाँ पे आप मिड में बैठे हो, हाथ ऊपर लो, बॉडी को ऊपर खींचो, ठीक है,
आप लॉक कर दो, लॉक करके रखो, ठीक है, बंद कर लो हाथ। बंद करने के बाद अपर बॉडी को, आप बीच में बैठे हो, अपर बॉडी को पीछे ले जाओ, ठीक है, जितना हो सके पीछे जाने की कोशिश करो। चेस्ट को एक्सपेंड करो, चेस्ट को एक्सपेंड करो, फीट नहीं उठना चाहिए नहीं तो चेयर पीछे चली जाएगी। अपर बॉडी को खींचना, मिड में आओ, मिड में बैठो, चेयर पे मिड में बैठो, हाथ ऊपर खींचते जाओ, हाथ ऊपर खींचते जाओ, मिड में बैठो, बीचों बीच चेयर के बीचों बीच बैठोगे और पीछे जाना है, बीचों बीच बैठना, चेयर के बीचों बीच बैठना है और पीछे जाना है। आप चेयर के बीच में बैठो और पीछे जाओ, स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करो, आप पीछे जाओ, पीछे जाके चेयर का टेक ले सकते हो, पीछे जाके आपके पीछे चेयर को पीछे टेक ले सकते हो, हाथ पीछे ले जाके खींच के रखो, नॉर्मल ब्रीथ करो, यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ करो, नॉर्मल ब्रीथ करो, अपर बॉडी को खींचो, अपर बॉडी खींचो, खींच के रखो, यहाँ पे टेक ले लो, ये स्ट्रेच करो, यहाँ पे रहेगी बॉडी, हाथ खींचो टाइट करो, हाथ खींचो टाइट करो, ये फीट नहीं उठना है बस खाली, खींच के रखो यहाँ पे, परफेक्ट, छोड़ो बॉडी को यहाँ पे, स्ट्रेच करो, बॉडी को छोड़ना है आपको पीछे, ठीक है, स्ट्रेच करना है, ये स्ट्रेच करो, हाथ खींचो, हाथ टाइट करो, टाइट करो हाथ, हाथ टाइट करो, एक्सहेल एक्सहेल करके रखो, पूरी तरह से एक्सहेल कर दो, फिर बहुत नॉर्मल ब्रीथ करना है, तेजी से श्वास नहीं लेना है, नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ, पीछे चेयर पे, चेयर पे चले जाओ, पीछे स्ट्रेच करो, पीछे चेयर पे चले जाओ, स्ट्रेच करो, पीछे जाओ चेयर पे, स्ट्रेच करके रखो, स्ट्रेच करके रखो, सिर पीछे, सिर पीछे, सिर पीछे, नाउ रिलीज एंड रिलैक्स। नाउ अच्छा है ना, नाउ यहाँ पे फॉरवर्ड नीचे चले जाओ, अपने चेयर को पकड़ो और जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाओ, सिर अंदर ले जाना है, चेयर के बीच में से सिर अंदर ले जाके जाओ, ठीक है, स्पाइन के लिए जितना हो सके सिर अंदर लेके जा सकते हो उतना सिर अंदर लेके जाओ, और हाथ के बीच में से पकड़ सकते हो तो अच्छा है, नहीं पकड़ सकते हो तो बाहर से पकड़ोगे तो भी अच्छा है। एक्सहेल कर दो पहले, श्वास को छोड़ देना, हाँ अंदर से ले जाओगे तो अच्छा है, और अच्छा है, हाँ पैरों के बीच में से जाएंगे अगर हाथ तो अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं जाते तो बाहर से भी पकड़ सकते हो। एक्सहेल करके रखो, एक्सहेल करके रखो, अब इसको साइड में कर दो, अब इसको रख दो नीचे और इसको खोल के रखो, एक्सहेल करके रखो, एक्सहेल करके पूरी तरह श्वास छोड़ दो, पूरी तरह श्वास छोड़ो, श्वास को पूरी तरह से छोड़ दो, नाउ रिलीज, परफेक्ट, नाउ बैक किया आपने, फॉरवर्ड किया बैठे बैठे, अब यहाँ पे आप यहीं पे बैठे बैठे आप साइड स्ट्रेच कर सकते हो, यहीं पे ज़्यादा नहीं जाना है, स्ट्रेच कर सकते हो, हाथ आपका देखो आपने कहीं नहीं ले गए, आपने ये हाथ रखा, ठीक है, आगे हाथ रखा, देख लो आपने, पीछे लोग अगर किसी को नहीं दिखता है तो मैंने हाथ देखो इस तरह से रखा है, ठीक है, हाथ रखने के बाद ये रखा और हाथ इस तरह से स्ट्रेच किया, ऊपर वाला हाथ कान के पास जाना चाहिए, स्ट्रेच करके रखना है, और एक्चुअली जो लोग के नी में पेन है, बॉडी में पेन, मतलब नीचे नहीं बैठ सकते, स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते, तो रूटीन में वो स्ट्रेच कर सकते हैं, यहाँ पे बॉडी खींचो, ठीक है, स्ट्रेच करके रखो, हाथ कान के पास में खींच के रखना है, बॉडी को स्ट्रेच करके रखना है, और ऊपर वाला हाथ सीधा रखना है, ऊपर वाला हाथ सीधा, हाँ ऊपर वाला हाथ सीधा, नी टाइट रखो, नी टाइट करो, नी है ना, आप ऐसे नीचे फ्लोर पे, फीट पूरा फ्लोर पे रखने के लिए बोल रहा हूँ कि फ्लोर से आपके फीट उठे ना, हील्स उठे ना, और ऊपर एल्बो सीधे रखने की कोशिश करो, ठीक है, एल्बो को जितना हो सके सीधा रखो, स्ट्रेट करो, जाओ नीचे जितना खींच सकते हो उतना नीचे जाने की कोशिश करो, जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाने की कोशिश करो, नाउ रिलीज एंड रिलैक्स, दूसरी साइड स्ट्रेच करो, स्ट्रेच 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 स्ट्रेच, नाउ स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, वापस आने को नहीं बोला, स्ट्रेच करके रखो, एक्सहेल करके रखो, पूरी तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग, स्ट्रेच करके रखो, नॉर्मल ब्रीदिंग करो, बॉडी को होल्ड करके रखो, नाउ रिलीज, वापस जाओ, आपने ट्विस्टिंग की, अपर बैक की स्ट्रेचिंग्स की, ठीक है, रूटीन में अगर आपको सुबह उठते हो, सुबह उठ के
आप सिर्फ 3 आसन पे फोकस करो, सुबह उठ के 3 आसन पे भी फोकस करोगे तो आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। पहला, सबसे पहला ताड़ासन करना है, ठीक है। ताड़ासन 2 तरीके से करते हैं, एक्चुअली 3 तरीके से, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका है, हाथ आपने लॉक किए और हील्स को अप किया, बॉडी को खींच दिया ऊपर, ठीक है। दूसरा तरीका, हाथ आप इस तरह से लॉक करके, आप हील्स नहीं उठाओगे, आपको बॉडी को पूरा ऊपर खींचना है मैक्सिमम, और ऊपर देखना भी ऊपर ही है। और एक जो कॉमन मिस्टेक्स होती है सबसे, वो ध्यान दो, वो नहीं होनी चाहिए, आपके बैक में कर्व नहीं आना चाहिए जब ताड़ासन करो। आपके पैल्विक सीधा रहना चाहिए, आप ताड़ासन करते हुए बैक में कर्व आ रहा नहीं आना चाहिए। पूरी बॉडी सीधी एक लाइन में, ताड़ का पेड़ होता है ना वैसे सीधा, ठीक है। तीसरा तरीका, हाथ खोलो इस तरह से, बॉडी स्ट्रेच करो, यहाँ पे खींच के रखो, और खींच के ना बॉडी को जितना हो सके ऊपर देखना है, ऊपर देखते जाओ, बॉडी को खींचो, यहाँ पे भी कब। ये 3 तरीके हैं, हाथ की पोजीशन में थोड़ा चेंज है, एक में हील्स, 2 में हील्स उठाते ही नहीं है, ठीक है। और आपको सबसे अगर कंफर्ट लगता है तो हाथ स्ट्रेच करने वाला, लेकिन आप मिड वाला करो, हाथ को ऐसे लॉक करने का, इसको करो, ये बहुत इफेक्टिव रहेगा, ऊपर की ओर देखो। और जब भी आप कर रहे हो इसकी प्रैक्टिस, तो आप एक बात का ध्यान देना कि होल्डिंग्स बढ़ाओ इसकी, एटलीस्ट आप 30 काउंट, 40 काउंट, 50 काउंट्स आप करते जाओ, स्ट्रेच करके रखो। दिस इज फर्स्ट। नाउ सेकेंड, हस्तोत्थानासन और पादहस्तासन, ठीक है। हाथ ऊपर खींचा, बॉडी को गो बैक, अपर बैक को स्ट्रेच किया जितना गए, लोअर बॉडी को हिलाना नहीं है, अपर बैक को जितना हो सके स्ट्रेच करते गए, पीछे जितना खींच सकते उतना खींचते गए। नाउ एक्सहेल फॉरवर्ड, ये पादहस्तासन, ये आपको रूटीन में आपको करना। पादहस्तासन में भी ध्यान देना, नी में एक्सटेंशन नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि योगा करके नी में पेन हो गया। मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे को बहुत अटैचमेंट है योगा से, तो मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगता है। मैं ऐसे लोग को सुनता हूँ कि यार योगा करके ये पेन हो गया, योगा करके ये इंजरी हो गई। सही तरीके से नहीं करने से पेन होता है। आपने उसके एनाटॉमिकल, आपने उसकी फिजियोलॉजी नहीं समझी, इट्स ओके नहीं समझी, पर जो करवा रहे हैं उनको देखो, समझो कि वो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे, जैसे मैंने बोला आप ताड़ासन भी करो तो नी में ध्यान दो, पीछे नहीं जाना चाहिए, एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए, नी टाइट रखना है, अपनी जगह स्टेबल रखने की कोशिश करना है, पैल्विक को सीधा रखना है, बॉडी को सीधा रखना है। मैं मेरी क्लास में फर्स्ट क्लास में एक चीज़ सिखाता हूँ कि आप लोअर बॉडी को सीधा रखने की कोशिश करो, आधी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। पैल्विक को सीधा रखने की कोशिश करो, पैल्विक को सीधा रखोगे अपर बॉडी सीधी रहेगी, अपर बॉडी सीधी रहेगी नी में एक्सटेंशन नहीं आएगा, आपके फीट बाहर की ओर नहीं जाएंगे, आपकी चाल सही रहेगी, आपका पोस्चर सही रहेगा, आपकी पोजीशन सही रहेगी, आपके बैक में कर्व नहीं आएगा, स्पाइनल में कर्व नहीं आएगा, स्पाइनल की मतलब बेसिक 3 प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगी। लॉर्डोसिस अभी इंडिया में इतना नहीं है, ठीक है, स्कॉलोसिस भी इतनी नहीं है, पर काइफोसिस बहुत प्रॉब्लम चलती है। काइफोसिस लाइक दैट हंच बनना, हंच नॉर्मली इसको मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं काइफोसिस, ठीक है। और ये सिर्फ एक चीज से ठीक हो जाएगी, सिर्फ सीधा खड़े होने पे, सीधा खड़े होने पे मतलब ऐसे नहीं सीना तान के खड़े हो, पैल्विक से सही रखो, पैल्विक को सही रखो, डक इन डक आउट को ध्यान रखो, ना डक ना डिन करना है, डक आउट करना है दोनों नहीं करना है, एक पोजीशन में रखना है, पोजीशन एक पोजीशन में नहीं, बैक में कर्व नहीं आना चाहिए। जब बैक में कर्व आता है तो प्रॉब्लम आती है, आपने देखा होगा लोअर एडोमिनल सभी का बाहर आ जाता है, आता है एक टाइम, एक एज के बाद लोअर एडोमिनल बाहर आता है, क्योंकि हम बैठते हैं ऐसे, उठते मतलब खड़े होके वॉक ऐसे करते हैं ये, और पैल्विक में कर्व होता है। दूसरी जो मैंने बोली आपकी प्रॉब्लम, लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम बोली, जिसमें आपकी स्पाइनल ऐसे अंदर चली जाती है, ठीक है, बहुत लोग होते हैं ना स्पाइन अंदर चले जाते हैं, और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होती है वो फीमेल्स को होती है, ये हाई हील की गलती वाला सीन है एक्चुअली। हाँ, तो वो हाई हील्स पहनते या बॉडी को शेप में दिखाने के लिए बेसिकली, तो तब प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम बाद में उनको पता चलती है, वो बैक में
लॉर्डोसिस की प्रॉब्लम मतलब स्पाइन अंदर की साइड में जाने की वजह से बाद में स्पाइन में पेन रहता है ऑलवेज, ठीक है, बैक प्रॉब्लम हो जाती है और वो बैक की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। सिर्फ एक चीज़ सही करोगे, क्या, सही से खड़े रहोगे, सही से चलोगे, योगा दूर की बात है, योगा भी नहीं करोगे तो भी सही रहोगे। तीसरा मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, स्कॉलोसिस। हम रूटीन में भागते रहते, चलते रहते, और कॉर्पोरेट में बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे एक पेशेंट थे, हैं अभी भी, गूगल में काम करते, यूएसए में, उनको ऑनलाइन क्लास आज भी करवाता हूँ, काफ़ी पिछले 1.5-2 साल से कर रहे हैं वो मेरे साथ। उनको स्कॉलोसिस की प्रॉब्लम, वो हैं इंडियन, स्कॉलोसिस की प्रॉब्लम है। क्यों? कंटिन्यू ऑफिस में बैठ के काम करने और बैठे बैठे स्पाइन क्या हो जाती है आपकी, कब आ जाती है स्पाइन ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे नहीं बन जाता है, हल्का सा ऐसे बनता है, और वो ऐसा ऐसा बनता है कि बॉडी है ना आपकी, आप एक साइड झुकोगे या वॉक करोगे, आप चलोगे, आपको पेन रहेगा, आप अनकंफर्ट, आपको ऑपरेशन करवा के सीधा करना पड़ेगा। अब लॉर्डोसिस में भी वही हो जाता है। आप बताओ आप ऐसे अच्छा लगेगा कि ऐसे अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली ना, आप ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, नॉर्मल तो नॉर्मल पोजिशन, पर अच्छा बुरे की बात है, बात की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए भी ध्यान देना। तो दूसरी पोजीशन मैंने बताई, हलासन, नहीं, हस्तोत्थानासन, पादासन, और थर्ड आप अगर करते हो तो आप बैठ खड़े होके पैरों के बीच में शोल्डर के बराबर गैप रख के ट्विस्ट करना है, यहाँ पे कटी चक्रासन, पीछे हील को देखना है। इसमें जो मिस्टेक करते हो ना, वो एक और मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक्स बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप सब करते हो, ये जो मैं बता रहा हूँ कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, आप सब जानते हो, सब करते हो, सब कर चुके हो, आपको पता है। मैं मिस्टेक इसलिए बता रहा हूँ जो मैं देखता हूँ लोगों को, क्योंकि आप करोगे क्या, मैंने बोला कटे चक्रासन, आप करोगे, आप ये करो, और इससे क्या होगा, आपने बॉडी को कर्व दिया, आप कर्व कर रहे हो, पेल्विक को हिलाना ही नहीं है, एक्चुअली लोअर बॉडी को हिलाना ही नहीं है, आप लोअर बॉडी को मत हिलाओ, आप नी से क्या कर रहे हो, आप बॉडी को हिला रहे हो, आपके नी में कर्व आ रहा है, आप यहाँ जा रहे हो, नी में कर्व आ रहा है, नी में कर्व आने की वजह से क्या होगा, नी पेन हो जाएगा। फिर बाद में बोलोगे योगा करवाती आउट है, कुछ है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये तीन अगर प्रैक्टिस आप रूटीन में करते हो तो अच्छा है। और मैं आपको 5 चीज़ें और बताता हूँ जो आपके कॉन्सेंट्रेशन के लिए, ठीक है, फोकस के लिए, इंटेलेक्चुअल लेवल को इंक्रीज करने के लिए, ब्रेन की पावर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बेसिक, ये आपने हमेशा सुना होगा, बहुत बेसिक बेसिक है। सबसे पहले ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, बहुत बेसिक है, ये सबको पता है, पता है कब जब भी होता है, आप आंख बंद करो, ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, आप की प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। दूसरा, फोकस करने के लिए नासाग्र मुद्रा, नासाग्र मुद्रा आंखों से आपके टिप पे देखना है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाता है, यहाँ तक कि कहा जाता है आपके आज्ञा चक्र का जागरण होता है, इससे इंटेलेक्चुअल लेवल इंक्रीज करता है। नासाग्र मुद्रा, आपको आंखें, दोनों आईज, ठीक है, आंखों से आपको यहाँ पे देखना है, आईबॉल को ये कॉन्सेंट्रेट करना है, कहाँ पे, टिप पर। और टिप पर जब देखोगे थोड़ी देर में क्या होगा, आपका सिर भारी होने लगे, आँख में भारी ने हैवीनेस आ जाएगी, तब क्या करोगे, आँखें बंद कर लोगे एंड रिलैक्स करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर करोगे, 3 बार करना है, 4 बार करना है, मैक्सिमम 5 टाइम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है, पर उसका टाइम बढ़ाते जाना है। पहले हो सकता है आपको 5 सेकंड में हो जाए, आपको हैवीनेस आए, फिर उसके बाद हो सकता है 50 सेकंड्स के बाद आए, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। तीसरा, इसी में मुद्रा में बात करते हैं हम, वो है आपकी प्रैक्टिस है आपकी आईब्रो सेंटर पे फोकस करना, इसको बोलते हैं योग में सांभवी मुद्रा, ठीक है। सांभवी मुद्रा की प्रैक्टिस करनी है, और सांभवी मुद्रा की जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा हाईली, ऐसा कहा जाता है योगा में भी, बहुत बोलते हैं ना कुल बधू कहा गया है, संभाल के रखा गया है, बताना नहीं होता है किसी को, यहाँ पे बता रहे हैं पात्रता के बिना, योग में साफ लिखा है सबको नहीं देना है, बुक्स में लिख, जो टेक्स्ट में देना ही नहीं है सबको, लिखा हुआ है लिटरली आगे नोट में लिखा होता है कि सबको नहीं देना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप फोकस करो, आपको साधना करने नहीं जा रहे हो, आप सिर्फ उसका यूज़ कर रहे हो अपने फोकस को बढ़ाने के लिए। तो आप आईब्रो सेंटर पर फोकस करोगे तो धीरे धीरे आपकी इंटेलेक्चुअल इंक्रीज होगी। एंड 3 हुआ 4th 1, सिंह गर्जन आसन, सिंह आसन बोलते हैं जिसको, ठीक है, हाँ, परफेक्ट। साइकोलॉजी में
सिगमंड फ्रायड को कोई नहीं जानता हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सभी जानते हैं, बहुत कॉमन, मतलब बहुत सुना है, बहुत पॉपुलर है। उनकी एक टेस्ट, मतलब एक थेरेपी है, थेरेपी में टीटिक है, थेरेपी जो होती है साइकोलॉजिकल। अगर किसी ने, किसी को प्रॉब्लम हुई होगी फैमिलीज में तो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया होगा, तो हो सकता है उन्होंने लिया हो। वहाँ पे एक थेरेपी होती है कि वो एक कमरे में बंद करके उनको चिल्लाने के लिए बोलते हैं, जो मन करता है वो चिल्लाओ, जो मन करता है तोड़ो, जो का सारा बॉडी का अंदर का गुस्सा निकालना होता है। यहाँ पे भी सिंह आसन जो योग में है, वो सिंह आसन का नाम दिया गया। यहाँ पे भी आपका एग्रेशन, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी आपकी बॉडी में, मतलब बहुत बार ऐसे सप्रेशन जो होते हैं ना, उसको बाहर कर दो, निकाल दो। ठीक है, करवाता हूँ इसको मैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक्चुअली जो अभी हम फेस योगा करने वाले हैं, तो उसमें भी ये नासाग्र मुद्रा या शांभवी मुद्रा या सिंह गर्जन, ये सभी बहुत मदद करते हैं, वो सभी उसमें भी आते हैं। एंड लास्ट जो है भ्रामरी प्राणायाम। योग में, प्राणायाम में सबसे ज़्यादा रिसर्च जो हुई है, सबसे ज़्यादा जो वर्क हुआ है, वो भ्रामरी प्राणायाम में। जस्ट क्लोज योर आइज एंड डीप इनहेल करते हुए श्वास लेना है, और श्वास छोड़ते हुए हमिंग चैंटिंग करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। ठीक है, ये 5 टेक्निक्स हैं जिनको आप डेली रूटीन में फॉलो करने से आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगा। और साइकोलॉजी ये मानती है, ब्रीथ अगर आपकी ब्रेन में ज़्यादा जाएगी तो धीरे धीरे आपके स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये साइकोलॉजी का है। तो हम सिंह आसन करते हैं, बाकी मैम अभी फेस योगा पे आपको कुछ कॉमन आपको एक्सरसाइज बताएंगे। ठीक है, सिंह आसन करें, चलो फोकस करना है, क्या मैं बता रहा हूँ वो फोकस करना है, ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना। फर्स्ट काउंट करेंगे, क्या करेंगे, श्वास को लेना है। ठीक है, फर्स्ट काउंट करते हुए श्वास लेंगे, 2 काउंट करते हुए बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करते हुए आंखें खुली रख के यहाँ पे देखेंगे, शांभवी मुद्रा लगाएंगे, और 3rd काउंट करते हुए टंग को बाहर करते हुए आवाज़ करते हुए पूरी श्वास को बाहर छोड़ेंगे और आवाज़ निकालेंगे, वो गले से आवाज़ आनी चाहिए। इससे एक और अच्छी चीज़ होती है, अगर कोई 30 डेज, किसी को थायराइड है ना, 30 डेज कर लेगा उसको थायराइड नहीं होगी, मतलब जो थायराइड है उसका चला जाएगा 30 डेज के अंदर। सिंह आसन को 30 डेज 5 टाइम्स डेली करने से आपका थायराइड गायब, ठीक है, और आवाज़ अच्छी हो जाएगी। 3rd, आपको बार बार टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम या गले में खराश रहना या हैवीनेस रहना, ऐसा कुछ बार बार आवाज़ में झरझराहट होना, वो सब आपके अच्छी होगी सिंह आसन। एक दूसरा प्राणायाम भी है, उज्जायी प्राणायाम, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंह गर्जन। ठीक है, 3 चीज़ें ध्यान दें, 1, 2, 3 काउंट्स पे क्या करना है, देखो, देख लो, श्वास ली, 1, 2 में पूरी बॉडी स्ट्रेच की, 1, 2, 3 देखना है, ऊपर देखना है और यहाँ पे देख, ये आईब्रो सेंटर पे देखना है, 1, कीप क्वाइट, की रिल, 1 मिनट, हेलो, 1 मिनट, मैं काउंट करूंगा उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, 1, 2, 3, परफेक्ट, 1, 2, and 3, आप चेयर पे हाथ रखो, नी पे हाथ रखो, यहाँ पे फ्लोर पे रखते हैं तो हाथ ऐसे रखते हैं, ठीक है, सिंह जाता है ना अपने ऊपर किसी, उस पे ऐसे सीधा नहीं खड़ा होता है, ऐसे हाथ रख के ऐसे चिल्लाता है, 1, 2, and 3, गाना नहीं गाना है। आप 3 टाइम मिनिमम और मैक्सिमम 5 टाइम्स कर सकते हैं, 5 टाइम्स से ज़्यादा मत करना, ठीक है। मैं बोलने वाला था कि ऑफिस में मत करना, मैं ऑफिस में जाता हूँ सिखाता हूँ, लेकिन वो बोलता हूँ कि मत करना एचआर के सामने, नहीं तो एचआर दोबारा बुलाएगा नहीं मेरे को। क्या दीदी के सामने भी नहीं करना,
दोनों हाथ अच्छे रखो, रफ करो, और इसे करने के बाद गले पे सेक लेते हैं, ठीक है, हाथ से रफ करके। अब स्वप्ना मैम आपका फेस योगा से रिलेटेड आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है, वो हम कंटिन्यू करते आगे, ठीक है मैम, कंटिन्यू। द टाइमिंग सो विल क्विकली डू अ कपल ऑफ एक्सरसाइजेस। सबसे पहले थोड़ा सा आपके नेक को रिलैक्स करने के लिए ब्रीद इन, ऊपर देखिए, ब्रीद आउट नीचे, ब्रीद इन ऊपर, ब्रीद आउट नीचे, लेफ्ट टर्न कीजिए, लेफ्ट राइट, प्रॉपरली टर्न कीजिए, लेफ्ट राइट, अपने सिर को बेंड कीजिए, लेफ्ट साइड, बेंड योर हेड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, रोल योर हेड क्लॉकवाइज, आराम से एक बार, एंड एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। ये एक्सरसाइजेस को बहुत आराम से करना है, मिनिमम 5-5 काउंट करना है, राइट right? अभी हमने जो एक एक बार किया है, मिनिमम 5-5 काउंट करना है, दिस इज फॉर रिलैक्सिंग योर नेक। नेक्स्ट हमें आँखों का एक्सरसाइज करना है, यू आर सपोज टू ब्लिंक, एक बार आपको ब्लिंक करना है, फिर आँखें बंद करना है, फिर ब्लिंक करना है, फिर बंद करना है, कीजिए, ब्लिंक योर आइज, फिर आँखें बंद कीजिए, अगेन ओपन योर आइज, ब्लिंक योर आइज एंड क्लोज योर आइज, रिलैक्स। ये सभी एक्सरसाइजेस करते समय चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखिए, अच्छा लगता है, आप ज़्यादा सुंदर लगेंगे, राइट। नेक्स्ट आपको लेफ्ट साइड देखना है, ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर देखिए, फिर बीच में सेंटर देखिए, फिर राइट साइड ऊपर देखिए, अगेन लेफ्ट सेंटर राइट, रिलैक्स। अभी हम करेंगे लेफ्ट ऊपर राइट ऊपर, राइट नीचे लेफ्ट नीचे, लेफ्ट ऊपर, फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, राइट ऊपर राइट नीचे लेफ्ट नीचे, अभी सेंटर में देखिए, रिलैक्स। अभी हम ऑपोजिट करेंगे, राइट ऊपर लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे राइट नीचे, राइट ऊपर लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे राइट नीचे, रिलैक्स। अभी आपके आँखों से सेंटर में 8 ड्रॉ कीजिए, विथ योर आईज ड्रॉ 8। यस, आई होप यू ऑल आर एबल टू डू। सेंटर में 8 ड्रॉ करना है, 8 नंबर आंखों से आपको ड्रॉ करना है। यस, नहीं नहीं मुंडी नहीं हिलानी है आपको, यू नहीं करना है, मुंडी स्ट्रेट रखना है, सिर्फ आंखों से ड्रॉ करना है। अभी आपके दो फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से आपके आंखों की तरफ मसाज कीजिए। आपको आंखों के ऊपर आपको उंगली नहीं रखना है, डोंट टच योर आईज, जस्ट ये जो आईब्रोज है यहाँ पे, आंखों के नीचे ये जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं नाक के अंदर, धीरे धीरे सर्कल्स में प्रेस कीजिए, प्रेस कीजिए, आराम से अच्छे से प्रेस कीजिए, राइट, रिलैक्स। अभी ये तीन फिंगर से आपके टेम्पल्स को प्रेस कीजिए, प्रेस योर टेम्पल्स, थ्री फिंगर से आपके टेम्पल्स को आराम से प्रेस कीजिए, और मुस्कुराते रहिए, रिलैक्स। अभी हाथों को रब कीजिए, उष्मा पैदा कीजिए। मैं जब ज्ञान जी को मिली हूँ ना, वहाँ के जो भी ट्रेनर्स होते हैं वो सभी ऋषिकेश हरिद्वार से आते हैं, कीप इट ऑन योर आइज, वो इतना शुद्ध हिंदी में बात करते हैं ना, कि आई हैव फॉलन इन लव विथ हिंदी ऑल्सो, आई ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन हिंदी, बट अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के गए, कहीं ना कहीं बीच में वो आ जाते रहता है। सो प्लीज़ आपके हाथों को फिर से रब कीजिए, उष्मा पैदा कीजिए, और आपके चेहरे के ऊपर लगाइए, ताकि आपके चेहरे के लाली को आप बढ़ाएं, रिलैक्स। रब नहीं करना है, सिर्फ चेहरे पे रखना है। आर वी क्लियर विद द आई एक्सरसाइजेस? यस, वन ब्लिंक एंड देन क्लोज योर आईज, टू लेफ्ट टॉप सेंटर राइट टॉप, थ्री लेफ्ट टॉप राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, फोर ऑपोजिट
राइट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट डाउन राइट डाउन टू फिंगर्स मसाज योर आइज थ्री फिंगर्स मसाज योर टेम्पल्स एट इन बिटवीन रब योर हैंड्स ऑन टू द फेस क्लियर यस आर वी क्लियर विद आई एक्सरसाइजेस ये सभी आराम से करना है नहीं अभी पूरा हुआ नहीं है आप बोर हो गए बस दो मिनट और बाकी है ज्यादा समय नहीं लूंगी राइट नेक्स्ट फिल योर माउथ विथ एयर एंड देन हैव अ स्माइल ऑन योर फेस पूरा फुलाइए गुब्बारे की तरह और चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए रिलैक्स सेकेंड आप बस पहले इंस्ट्रक्शन सुनिए फिर आप कीजिए आपके फिर से हवा भरना है मुंह में दो फिंगर आपके मुंह पे रखना है और आपके आंखों को वाइड करना है वाइड इन योर आईज रिलैक्स थर्ड आपके मुंह में हवा भरना है और जलंधर बंद मतलब आपका चिन नीचे टच करके चिन को टच करने की कोशिश करना है और नॉस्ट्रल्स को बंद करना है राइट फिल योर माउथ विथ एयर रिलैक्स अभी मुंह में हवा भरिए लेफ्ट साइड से राइट साइड सर्कल कीजिए लेफ्ट टू राइट रिलैक्स राइट टू लेफ्ट रिलैक्स लेफ्ट साइड हवा भरिए और रोक के रखिए फुलाइए गुब्बारे की तरह फुलाइए आपके आपके मुंह को एंड चेहरे पे स्माइल रखिए रिलैक्स राइट साइड रिलैक्स और पूरा मुंह अंदर लीजिए करते समय जरूर चेहरे पे हंसी रखिए मैं जब बॉडी लैंग्वेज पढ़ाती हूँ बॉडी लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है कि जब हम आर्टिफिशियली भी स्माइल करते हैं ना तो भी हमारे शरीर में और माइंड में हार्मोन्स रिलीज होते हैं हैप्पीनेस हार्मोन्स एंडोर्फिन्स डोपामाइन सो वेदर स्माइल इट्स अ फेक और रियल इट्स मेकिंग यू मोर हेल्दियर एंड मोर ब्यूटिफुल आप ट्राई कीजिए ये उंगली को मुँह में रखिए रिलैक्स यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग फिर से हम करते हैं ये गुब्बारे के एक्सरसाइजेस एक बार करते हैं फिल योर माउथ विथ एयर ऑल ऑफ यू आई विल जस्ट गिव इंस्ट्रक्शंस फिल योर माउथ विथ एयर एंड हैव अ स्माइल ऑन योर फेस जब तक मैं रिलीज नहीं बोलूंगी तब तक रिलीज नहीं करना है मैंने ज्ञान जी से ये सीखा है एंड अ स्माइल ऑन योर फेस गुब्बारा वेरी गुड रिलैक्स फिर से फिल योर माउथ विथ एयर टू फिंगर्स ऑन योर लिप्स एंड वाइडन योर आईज आंखों को वाइड कीजिए आप भी कर सकते हैं मोबाइल बाजू में रख दीजिए वो कहीं नहीं जाएगा वहीं पे रहेगा कीजिए रिलैक्स थर्ड फिल योर माउथ विथ एयर क्लोज योर नॉस्ट्रल्स एंड जलंधर बंद नेक आपके कंठ को लॉक करना है आपके थ्रोट को लॉक करना है जलंधर बंद नीचे रखिए सर मुडलियार जी कीजिए रिलैक्स फोर्थ लेफ्ट साइड हवा भरिए लेफ्ट से राइट घुमाइए रिलैक्स राइट साइड हवा भरिए राइट से लेफ्ट घुमाइए रिलैक्स लेफ्ट में हवा भरिए होल्ड करके रखिए हैव अ स्माइल ऑन योर फेस सीधा बैठिए सभी किसी को हंच नहीं करना है किसी को स्लाउच नहीं करना है सिट स्ट्रेट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस रिलैक्स राइट में हवा भरिए और होल्ड करके रखिए रिलैक्स अभी मुंह अंदर लीजिए पुल इट इनसाइड
अच्छे से अंदर पुल कीजिए, कोई बोटॉक्स की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई फेशियल की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा बिकॉज इससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है. रिलैक्स. यस, आर वी क्लियर विद द एक्सरसाइजेस? नेक्स्ट, आपके नेक को ऊपर कीजिए और धीरे से, दिस इज फॉर डबल चिन को कम करने के लिए, आपके नेक को मसाज कीजिए. वेरी गुड, रिलैक्स रिलैक्स. सेकेंड, आपके टंग को मुंह में अंदर की तरफ चिपकाना है और मुंडी पीछे करना है. आप पहले अंदर की तरफ आपके जीभ को चिपकाइए. हाँ, चिपकाना है जीभ को, ऊपर चिपकाना है, अंदर चिपकाना है. हाँ, नहीं नहीं, फोल्ड करके नहीं, ऐसे ही चिपकाना है. चिपका के पीछे बेंड हो जाइए आप. धीरे से आपके सर को पीछे ले जाइए, सीलिंग की तरफ देखिए. रिलैक्स. थर्ड एक्सरसाइज, अभी भी पूरा आपके जीभ को ऊपर चिपकाना है. और हम जब कुछ जैसे घूंट लेते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके फिर हमें पीछे जाना है. क्लियर? यस, स्वॉलो करके पीछे जाना है. रिलैक्स रिलैक्स. पुल योर माउथ इनसाइड एंड गो बैक. पुल योर माउथ इनसाइड एंड गो बैक. रिलैक्स. अपना जो थायराइड ग्लैंड है, यू आर जस्ट सपोज टू पुट योर इंडेक्स फिंगर इन द सेंटर. पुल योर माउथ इनसाइड एंड देन गो बैक. पीछे स्ट्रेच कीजिए आपके नेक को, इससे जो डबल चिन है वो कम हो जाएगा. राइट? रिलैक्स. अभी जैसे सिंहगर्जन, वो तो बहुत बढ़िया है फेस के लिए. इसके साथ साथ आप जीभ बाहर निकालिए सिंह की तरह, फिर हमें पीछे जाना है. पूरा जीभ बाहर निकालिए अच्छे से और हमें पीछे जाना है. राइट? रिलैक्स. अभी हमें पाउट, पाउट करना तो सभी को आता है, सेल्फी ले लेके तो पाउट आदत हो गई है. सो पाउट एंड देन लुक टुवर्ड्स द सीलिंग. पाउट योर माउथ एंड लुक टुवर्ड्स द सीलिंग. रिलैक्स. आर वी क्लियर विद दिस एक्सरसाइजेस? यस. पहले तो हम मसाज करेंगे. राइट? सेकेंड, जीभ को ऊपर लगाएंगे, पीछे जाएंगे, फिर जीभ को ऊपर लगाएंगे, स्वॉलो करेंगे, फिर पीछे जाएंगे. यस. फिर हम मुंह को अंदर लेंगे, पीछे जाएंगे, इंडेक्स फिंगर थ्रोट के सेंटर लगाएंगे, फिर पीछे जाएंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, देन वील गो बैक, पाउट करेंगे एंड देन वी विल गो बैक. क्लियर विद दिस एक्सरसाइजेस? एक एक्सरसाइज जो आप घर पे भी कर सकते हैं, जैसे आपके मुंह में पानी भरना है, पानी भर के धीरे से आपके गालों को टैप करना है. पानी किसी के मुंह पे नहीं फेंकना है. राइट? सो आराम से ध्यान से कीजिए. डन. नाउ द लास्ट एक्सरसाइज इज फोल्ड योर हैंड्स अप. उसको पूरा ऊपर की तरफ खींचिए, फिर धीरे से अपने सर पे लेके आइए. अपने सर पे 3 बार प्रेस कीजिए. 1, नीचे लेके आइए, उल्टा कीजिए. 2, 3. डन. सेकेंड, आपके सर के पीछे प्रेस कीजिए. 1, 2, 3. थर्ड, फिंगर्स ओपन कीजिए, आपके नेक के पीछे थोड़ा सा हल्का सा मसाज कीजिए, ओनली ऑन योर नेक. 1, 2, 3. अभी आपके 3 फिंगर्स है, यहाँ पे सेंटर में मसाज कीजिए. मसाज इन दी सेंटर विथ योर 3 फिंगर्स. सो ये सभी एक्सरसाइजेस फेस योगा के एक्सरसाइजेस होते हैं. दिस इज अगेन जैसे कॉरपोरेट योगा की तरह बहुत सिंपल है, आप कहीं पर भी चेयर पे बैठ के कर सकते हैं. आर वी क्लियर? यस. थैंक यू सो मच. एंड आई वुड रिक्वेस्ट ज्ञान जी कि योगा एज ए करियर, उसके बारे में कुछ शब्द आप बोले. कुछ थैंक यू. आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं पहले. क्वेश्चन आंसर 5 मिनट्स, तो पहले अगर 2 शब्द आप बोल देंगे योगा एज ए करियर एंड देन वी विल गो फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके.
वो यूएसए एलियंस एप्लीकेशन। हेलो हेलो हेलो, ओके नहीं मैं कर दिया, ठीक है। योगा एज ए कैरियर मुझे लगता है आज बताने जैसी चीज़ नहीं रही है, और अगर देखा जाए इंडिया या आउट ऑफ कंट्री में इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है कि योगा एज ए कैरियर में कितने लोग हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हम थोड़ा साइड में रखते हैं। पर एक सबसे बड़ा पॉइंट जो आता है, क्योंकि जब हम कैरियर को चॉइस करते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि कितने का बिजनेस है। एक्चुअली काउंट ही नहीं है। 2020 में एक रिसर्च हुई जिसमें काउंट करने की कोशिश की गई है, और कोशिश में काउंट जो क्लासेस थी, योगा क्लासेस थी या जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की बात की जाए, उनको काउंट किया ही नहीं गया। सिर्फ योगा की मैट्स, योगा के प्रॉप्स, योगा के जो हम प्रॉप्स यूज़ करते हैं उसके बिजनेस की बात करें, 2020 कोविड से पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोविड मतलब 19 के टाइम की रिसर्च है ये, उस टाइम की बात की जाए तो सिर्फ अगर अमेरिका की बात की जाए, यूएसए की, यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए, तो वहाँ पे $10 मिलियन खाली प्रॉप्स बिके हैं उस टाइम। प्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, वो आगे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए कुछ $40 मिलियन का खाली प्रॉप्स ही मार्केट थी। आज कोविड के बाद योगा की क्लासेस, प्रॉप्स की बात की जाए और बहुत सारी चीज़ों की बात की जाए तो इंक्रीज़ हुआ है, कई लेवल पे इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं एक छोटी सी बात की जाए, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं, ऐसे बहुत सारे बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज़ हैं योगा में, जो मैं सबसे पहले मनी की बात कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी एक छोटी सी साइट्स की बात करूँ जिसके थ्रू इंडिया में आज हम, मैं खुद एक एफिलिएशन लेके रखा हूँ योगा अलायंस का, यूएसए बेस्ड, जिसके रिन्यूअल्स के कॉस्ट होते हैं, टीचर्स के सर्टिफिकेशन के कॉस्ट होते हैं, और वो हम यूएसए में पे करते हैं एज ए डॉलर। जब योगा की वैल्यू, योगा की संस्कृति सब इंडिया की है, लेकिन इंडिया में जब नाम नहीं था, जब वो चीज़ स्टार्ट नहीं हुई थी, तो 90s के समय का यूएसए योगा अलायंस एक संस्था स्टार्ट हुई, वो लोग काउंट करते हैं मोर देन 1 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, मोर देन 10,000 इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड हैं जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं आपको ये कॉस्ट आप मल्टीप्लाई अपने ब्रेन में करना है अगर, ठीक है, पर स्टूडेंट $100 रिन्यूअल्स कॉस्ट होती है, मोर देन 100 की बात कर रहा हूँ, मोर देन 100, ठीक है, नो मोर देन $100 पर स्टूडेंट की चार्ज की बात करूँ, पर 1 लाख स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है उससे ज़्यादा हैं। मैं 10,000 इंस्टीट्यूट जो रजिस्टर्ड हैं योगा अलायंस में, उनके रिन्यूअल्स की कॉस्ट जो होती है वो मैं खुद भी पे करता हूँ, ऑलमोस्ट रुपीज़ में कुछ आती है 80,000 रुपीज़ एवरी ईयर रिन्यूअल्स कॉस्ट होती है इसकी। इन टू करने पे आप काउंट कर सकते हो कितना, ये सिर्फ एक बात कर रहे हो योगा अलायंस की। अगर दूसरी और बात करे जाके, मतलब आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहे हैं अभी, तो सिर्फ और भी ऐसे कई सारी साइट्स हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो मिलियन डॉलर्स का बिजनेस करते हैं योगा में, मिलियंस डॉलर। अभी इंडिया में बात करते हैं, हम इंडियंस हैं, इंडिया पे आते हैं, इंडियन में बात करते हैं, तो सबसे बड़ी अभी की प्रेजेंट टाइम की जो कंपनी है योगा की, ठीक है, 100 करोड़ से ज़्यादा की है, इंडिया की कंपनी की बात करो, और ये 100 करोड़ कब हो चुकी थी, 2019 में ऑलरेडी क्रॉस कर लिया था। ऐसी एक दो और कंपनियां, ऐसे 5 कंपनियां हैं इंडिया में जो 100 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करती हैं एवरी ईयर। ये बहुत बड़ी बात है, पर चलो उससे थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट्स आफ्टर 12th उसको योगा क्यों करना चाहिए, योगा कैरियर में क्यों जाना चाहिए,
उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है कि वो अपनी हेल्थ के सही रख के दूसरों की हेल्थ भी सही रखता है, क्योंकि खुद प्रैक्टिस करेगा, सारी चीज़ें उसको खुद पता है, दैट्स वाई वो दूसरों की भी हेल्थ सही रखता है और दूसरों की हेल्थ के साथ में वो अर्न भी करता है। अगर मेरी बात करूँ तो मैं बहुत चार्ज करता हूँ, ठीक है, मतलब अगर मैं पीटी क्लास की बात करूँ, जनरली नहीं करवाता हूँ, पर करवाता हूँ तो मेरे कॉस्ट फिक्स है, वो एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। पर 10 इयर्स 11 इयर्स फील्ड में हूँ, उससे पहले मेरे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन वो सब हुई, 1 लाख रुपीज़ 3 मंथ की कॉस्ट होती है, 1 आवर मैं कहीं भी विजिट करता हूँ। तो मैं स्टूडियो रन कराने के लिए, स्टूडियो को रन कराने के लिए मैंने कोविड से पहले कई सारे स्टूडियो को गाइड किया, वो रन कराने की भी कॉस्टिंग मेरी 1 लाख के आसपास है। सिर्फ कंसल्टेंसी की फ़ीस चार्ज करता हूँ कि स्टूडियो कैसे रन करते हैं, वो मेरी कॉस्टिंग है। जस्ट मैं छोटा सा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ। एंड एक कोई भी अगर मेरे यहाँ पे बिगनर, मतलब कोई भी टीचर्स मेरे यहाँ पे जॉब करने आता है, एक बेसिक सैलरी कॉर्पोरेट में या कुछ भी होगा आईटी में, अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है तो वहाँ पे एक लाखों में पैकेज होते हैं जाके, लेकिन एक बेसिक छोटी सी कंपनी है वहाँ पे जॉब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे भी, जैसे हम, मेरी खुद की जो यानिश योगा है, हम वहाँ पे बेसिक सैलरी जो स्टार्ट होती है 30,000 बेसिक सैलरी स्टार्ट होती है, इस सैलरी की बात करो। पर एक अर्निंग की बात की जाए तो एवरेज में, अहमदाबाद की आज प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा हूँ, एवरेज में छोटे बड़े योगा टीचर को भी मिलाया जाए 50,000 to 80,000 एवरी मंथ वो अर्न करते हैं। अभी क्या ऑप्शंस हैं इसमें, सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं, पहला ऑप्शन 200 आवर्स 300 आवर्स ये कोर्सेज करके कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं बहुत सारे। लेकिन इसमें भी आगे अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना है कि टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहे हैं उसके साथ में एक्सपर्टीज़ भी लानी है। अभी किसकी एक्सपर्टीज, आप योगा थेरेपिस्ट बन सकते हो, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, या आप क्या नाम है गाइड कर सकते हो, ठीक है, इस तरह के कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने, ऐसे कई सारी, या आपने स्टूडियो डाल सकते हो, या फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हो, बहुत सारे, पर धीरे धीरे उसमें बिल्ड हो रहा है। और ये आज मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे इंट्रो देना पड़ता था कि यार अच्छा योगा ये क्या होता है, वो व्यायाम करते हो, वो क्या नाम है कसरत करते हो, मैंने कहा हाँ ठीक है, इस तरह से लोग बोलते थे। पर आज योगा नाम इतना पॉपुलर एक फैशन है, ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपने बोला बस हो गया सेलिब्रिटी, मतलब एक होता है ना एक ट्रेंड में और वहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ओके थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन शायद, हाँ मैं वही पूछ रहा था, हम एक 2 मिनट क्वेश्चन लेते हैं। हेलो, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो रिलेटेड योगा। यस, थैंक यू सर। नंबर उसमें लिखा हुआ, नंबर है वहाँ, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। We'll just take 2 minutes. I think I'll end the session and then we'll take the questions informally because we are already at the time limit. So thank you so much everyone for being here. Thank you so much Gyanji. Thank you so much for your valuable time. Please give him a big round of applause. So anybody with questions, please stay back and then we can discuss the questions. Okay.